वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और गाइस इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी मस्त हूँ गाइस। तो जैसे कि आजकल बरसात है, आप लोगों को सभी को पता है, तो रेगुलर रूटीन जो राउंड होते हैं और चर्च के, वो मारने निकलो शाम को। मेरे गाइस शक्कर पारे रह चुके तोड़ने को, और ये वाला शक्कर पारा ख़राब लगा हुआ है, और ये वाला काफ़ी एक नंबर है। साइज़ भी गाइस इतना आता है इसका, तो ये वाला अच्छा है। एक पेड़ मतलब एक ही बंदे से लिए थे गाइस दोनों पेड़ है, तो इसमें भी है साइज़ है, देखिए इतना तो इसमें भी है, बट नहीं ना गाइस ज़्यादा अच्छा वो वाला है, और ज़्यादा बड़ा भी था, ज़्यादा मिठास में भी गाइस ज़्यादा मीठा था वो, मतलब जो मैंने नोटिस करा है। बाकी तो टेस्ट होती है गाइस, बात सबकी जुबान का अलग है टेस्ट। इधर कोई स्प्रे भी कर रहा है गाइस स्प्रे को, बहुत ही बेहतरीन गाइज पक चुकी है अब। और माइट ट्रैक भी गाइज अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और ये ड्रॉट की मार सारे सेब में दिख रही है, बट जब कलर आता है तब कुछ हद तक छुप जाता है ड्रॉट। तो मी स्टार बाई 84 40 साल के पेड़ के ऊपर, 50 साल के पेड़ के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस है 84 की। और मैं आप लोगों को दिखाऊं तो साइज चेक आउट कर सकते हैं, और देखिए अभी तो गाइस स्टार्टिंग ही है इसकी, परे को गाइस बाद में देखूंगा, अभी पहले चुनाले वाले M9 वाले और चुटको ड्रोन मार जाता हूँ। काफी टाइम हो गया गाइस जाना ही नहीं हुआ। ये भी गाइस पूरा उसकी कलम थी, क्या कहते हैं ये देखिए इसमें बट बन गया, तो सब बोलते हैं कि इसकी पत्तियां निकाल दो आप टॉप से तो ग्रो कर लेता है, कहते ग्रोथ की ओर भाग जाता है। ये टाइडमैन की कलम थी गाइस पूरी पीछे से, ये हमने शिफ्ट कर दी मिस्टर बाई 84। बस गाइस अभी जा रहा हूँ, नीचे मिलूँगा आप लोगों से। और ये वॉशिंगटन पर काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। चलो ये इधर टीरेक्स गन बनाया था भैया ने, इस बार फिर चेंज कर दिया, इस बार में भी बिग बॉक्स बनाए मेरे ऑर्चर्ड में, ज़्यादा तो बिग बॉक्स बनाया होगा भैया ने। ये हमारा ऑर्चर्ड, अपना सेकंड ऑर्चर्ड है गाइस ये M9 वाला, इसमें चार पेड़ यहाँ पे गाइस ये ऊपर वाले ऑर्चर्ड से पटके लाए हमने, मेमा कला 16 316 के। बाकी तो गाइस सब कुछ सही है, देखिए मकड़ी का जाला दिख रहा होगा आपको, मकड़ी आजकल गाइस बरसात में ना बिल्कुल चलने नहीं देती है, मतलब ना प्रॉपरली गाइस इसने पेड़ टू प्लांट में ना, ये हमारा
वैसे तो गाइस फ्रेंडली वो होता है कीट इंसेक्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको परसों के व्लॉग का बताता हूँ। परसों मैंने व्लॉग शुरू करा, परसों गाइस लकड़ी ले जानी थी, टीडी की लकड़ थी यहाँ से एक गांव के चाचू की, यहीं पर ऐसे ले जानी थी सी रोड से, मतलब आया इधर होके जाना था परेश लारू, पीछे से आना था कंतवाड़ी, कंतवाड़ी सुतनता वापसी, उनने पिकअप के लिए बोला हुआ था तो मैं गया गाइस। मैंने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है बट दिक्कत ये हुई, स्टार्टिंग तो व्लॉग की बहुत प्यारी हुई भी है लेकिन जो गाइस मेन प्रॉब्लम हुई है कल मुझे, कल नहीं सॉरी परसों, वो ये हुई मेरा टायर पंचर हो गया गाइस परे वापसी जाते हुए, फुल गाड़ी में लोड भी था काफ़ी था, 55 नग ढाले हुए थे, 55 नग ढाल के आया था गाइस यहाँ से, मतलब पूरा ही था एक ही चक्कर था तो 55 ढालने पड़े उसी में एक ही चक्कर में, इसीलिए मेरी गाड़ी में गई भी थी 4x4 है भाई, अगर कहीं फंस जाती है तो 4x4 लगा के निकल जाती है गाइस। तो खप गाइस ऐसी होगी पीछे से फुल लोड गाड़ी, टायर बैठ गया पूरा। और मज़े की बात गाइस जैसे जो बड़ी गाड़ियाँ होती है हमारी, जो जिन भाइयों को पता होगा कि बड़ी गाड़ी के टायर जब पंचर होते हैं तो क्या और कैसे किया जाता है, तो भाइयों को पता होगा उसके नीचे गाइस पत्थर पड़ता है बड़ा टायर के नीचे, ताकि पूरा टायर ना बैठ पाए नीचे, तो बस वो पत्थर ही नहीं बैठ पाया गाइस नीचे गाड़ी के और गाड़ी पूरी बैठ गई। तो गाइस इतना बुरा हाल हुआ है ना कल गाड़ी उठाते उठाते, सॉरी परसों, मतलब सोचा नहीं था गाइस कितनी दिक्कत होगी, यहाँ पे भी घास बहुत बड़ा हो गया है, मशीन चलानी पड़ेगी गाइस एक दिन। चलो ये तो फ्री टाइम, और यहाँ पे कुछ मेरे को स्पॉट्स दिखने लग गए हैं, ये देखिए माइट तो नहीं है गाइस यहाँ इस ऑर्चर्ड में, एक आधी है देखिए, क्योंकि घास नहीं काटा है ना गाइस, पराने लग गई है तो यहाँ पे माइट की स्प्रे करनी पड़ेगी। ये Z1 है गाइस, इसका टैग यहाँ है Z1। ये होना है गाइस ऊपर को टैग, इसका शिफ्ट टैग तो गाइस ज़रूरी है ना, क्योंकि मेरे ज़्यादा इसमें अब मेमा स्टार होगा, ये Z1 के तो कुछ प्लांट्स ही रह गए गाइस अभी साल। सबसे पहले तो मैं आपको वैराइटीज़ के नाम, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कितनी अच्छी डेवलपमेंट है अभी फ्रूट्स में चली हुई, वो मैं आपको दिखाऊँगा साथों साथ। लेकिन इसकी ग्रोथ में गए इस पर प्लांट में गड़बड़ है, ये T-Rex है इस प्लांट। तो मैं जो गाइस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अभी, और कुछ लाजवाब चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब किसी के साथ भी गाइस वो प्रॉब्लम सबके साथ ही होती है जिनकी प्लांटेशन होती है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ये मेरा प्लांट है मिस्टर भाई चुरसी का, ऊपर को सूख गया है, नीचे से रूट स्टॉक चला हुआ है, पहले तो गाइस इसको चेक किया जाता है नीचे से ऐसे कि चारों साइड से भी ये ग्रीन है कि नहीं, ये सूख गया है गाइस, पीछे से सूखा हुआ है तो टफ है गाइस ये चलेगा, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा गाइस कट मारूँगा, अगर चलेगा तो ठीक है,
ये देखिए ये वाली आँख के पास, यहाँ पे मैं कट मारूंगा इसमें इधर कहीं कलम के नज़दीक, क्योंकि इधर को सूखा हुआ है। देखिए नीचे को फिर हरा है, यहाँ देखिए इसे फ्लो नहीं करवा पा रहा है गाइस अपने को पूरा, इसलिए मैं इस पर कट मारूंगा। पहले कट मारता हूँ, मेरी किस्मत है देखिए ऊपर से ही बिल्कुल ही सूखा हुआ है। ये देखिए ये सूख चुका था, सैप फ्लो नहीं करवा पा रहा था गाइस। वैसे इसकी ये वाली स्किन ही हरी है, अगर यहाँ से सैप एक्टिव हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अभी बरसात में चांसेस ज़्यादा होते हैं गाइस, इसलिए ये कट थोड़े लेट ही मारनी चाहिए। पर ऐसे करते गए शुरू हरे को, यहाँ से टीडीएक्स से बीच में गए, हमारे पास गालास कम हो गए थे, आठ नौ पेड़ गए ये उसके लगे हुए, क्या कहते मिस्टर भाई चौरसी के। अब ये है हमारा टीरेक्स, ये देखिए ये हमारा खुद का तैयार किया है टीरेक्स, मतलब परचेज तो गाइस इम्पोर्टेड ही करा था। ये देखिए कितना प्यारा फेदर्स आए है, देख रहे हो आप, ये वाले शूट्स है जो इसमें से मैं आधे निकाल दूंगा या आगे बाहर वाले चलने दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक सर्कल बना दूंगा ना मैं गाइस इसका, इतने में तो इसमें फेदर आएगी नहीं यहाँ पे इस एरिया पे। और एक ख़राब सेब तो गाइस मैं झाड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस साल हमारी प्रोडक्शन ज़ीरो है गाइस इस ऑर्चर्ड से, बिकॉज वो फ्रूट बोरर बहुत अटैक करा है। यह आ गया हमारा क्या कहते हैं ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर, अच्छा है गाइस यहाँ पे अच्छा तैयार हो रहा है, प्लांट्स सारे अच्छे तैयार हो गए। तो अब मैं काम की बातें बताता हूँ गाइस आप लोगों को। ये देखिए ये हम लोगों की इसमें क्या क्या मेहनत करी हम लोगों ने, मैं अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली लेयर है देखिए गोबर की है, इसके नीचे देखिए ये रेते के साथ है हल्का रेता, ये देखिए गाइस ये रेता है, चिकनी मिट्टी है ना गाइस, यहाँ पे सॉइल अच्छा नहीं है, इस वजह से हमें ये करना पड़ा है गाइस यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, M9 में जितने आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारेंगे वो आपके उतनी ज़्यादा अच्छी बात होगी, जितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स उतना ज़्यादा अच्छा। अब गाइस टाइम है रिंग बोरर का भी टाइम है, अब मैंने एक बार इसमें घास काटना फिर इसके चारों ओर थी मेट डालूंगा। और ऐसा नहीं है गाइस कि मैंने उसी रो में सिर्फ और सिर्फ क्या कहते वो ढाला है गोबर और रेता, हर एक में गाइस हर सारे में, यहाँ देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये गोबर, मैं सॉइल दिखाना चाह रहा हूँ गाइस आप लोगों को ना, ए है ये भी रहता है इसमें मिक्स हुआ हुआ ना गाइस, तो अच्छे से सॉइल का पता नहीं चलेगा आप लोगों को ना, इसी वजह से मैं मतलब ना ये देखिए गाइस ये चिकनी मिट्टी पूरी, ये तो घास की वो जड़ आ गई है, ये देखिए ये इतनी चिकनी मिट्टी है ना गाइस, जिसको मैं जिस तरह की क्ले होती है उसी टाइप में है ये मिट्टी,
बस इसमें थोड़े पत्थर ज़्यादा है। ये गाइस जब सूख जाते हैं ना, अगर आपका ये ऐसा गोला है ना, तो सेम एज इट इज़ पत्थर की तरह है। फिर इसको तोड़ने के लिए आप जो मर्जी करो। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये पत्थर, ये हमारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये मारा मैंने इस पे। ये देखिए, ये देखिए गाइस, एज इट इज़ वैसा का वैसा। इतनी ज़ोर से मारने के बाद भी ये गाइस बहुत ख़राब मिट्टी है, इसलिए रेता गोबर। 2 साल तो अभी हम इसमें कंटिन्यूसली रेता और गोबर मिक्स करवाएंगे। 1 साल ये वाली हो गई है, एक क्लियर और बिछेगी इसके ऊपर रेता गोबर की। फिर उसको अच्छे से खोदा जाएगा नीचे आधे से 1 फुट तक, ताकि ऊपर ऊपर की जड़ों में सिर्फ रेता गोबर ही मिले। उससे फिर अच्छी मिट्टी डेवलप करेंगे गाइज हम, मतलब खुद के हाथ में गाइज। अब क्या कर सकते, जो गलत है वो गलत करा है। फिर अच्छे से डेवलप करेंगे ये वाली साइड। तो गाइज मैंने अभी है सोचा है कि पूरा M9 तैयार करना है इस साइड, फिर अपने इधर पार इस साल गाइज देखते हैं ज़रा। 116 जो अपना तैयार हुआ है वो लगाने की सोच रहे हैं। इसमें सीधी लाइनें बना के दीवार लगा के 116 लगा दिया। पर रूट स्टॉक पे ही गाइज सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है। जो नीचे लास्ट की मिट्टी है हमारी ख़राब है गाइज, ये नीचे गई दिए गई सबके। ये मतलब ना यहाँ ऊपर से आई है गाइज ख़राब सॉइल सबकी नीचे तक। लास्ट मेरा खेत है ये, यहाँ से नीचे मेरा प्रॉपरली पूरा है। ये रोड भी मेरी मलकियत से गई है गाइज। पार्क ऊपर, वहाँ ऊपर तक कुछ सूखा हुआ पेड़ दिख रहा होगा आपको उधर, वो वहाँ उसके भी पिछली साइड तक है गाइज। बट ये सॉइल अच्छा नहीं है, तो सॉइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस है, अगर अच्छे से सॉइल हमारी डेवलप हो गई तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा गाइस कि कैसे हमने क्या किया वैसे। बट मैंने अभी आपको बता दिया है सॉइल डेवलप करने के लिए यही सबसे अच्छी तरीका है। देखिए, गोबर, मिट्टी और रेता, इन तीन की लेयरिंग करनी है बस। ये देखिए कुछ इस तरह की, ऊपर को देखिए आप कितनी सॉफ्ट हो चुकी है मिट्टी है, देखिए। और इधर को देखिए जिधर पड़ा नहीं है ना, इधर देखिए, ये देखिए काफ़ी जोर लगता है ना गाइस मिट्टी पटने में, देखिए हाथ से। और इधर को देखिए, अभी बरसात में ये हाल है जब इसका सॉइल का, तो आप लोग सोच सकते हैं आगे सर्दियों में हम लोगों को कितनी दिक्कत रहती होगी। और ये देखिए इसमें केंचुआ भी डाला है हम लोगों ने। सॉइल डेवलप करवाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है गाइस। और अगर किसी के इस तरह की सॉइल हो, प्लांटेशन कर दी हो, तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें गाइस। मैं आप लोगों को शायद ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें बता सके। पहले गाइस हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है अपने ऑर्चिड्स में, तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। सो गाइस अब आ चुका हूँ ऊपर वाले खेत में, यहाँ पर शक्कर पारे लगाए हुए, इसको तोड़ता हूँ। अंधेरा भी हो रहा है, अंधेरे से पहले पहले तोड़ के, आज तो मौसम भी खुल गया गाइस, अंधेरे से पहले पहले तोड़ के, जितने तो तोड़ भी दिए, और घर ले जाता हूँ। फिर घर में खा लेंगे दादी वगैरह, दादू, मम्मी, पापा, सब लोग मिलके। इस वाले में भी थे गाइस, मैंने कुछ बड़े बड़े छोड़े हुए जो साइज़ में छोटे थे, और इसके काफ़ी सबसे अच्छा शिकर पा रहा है मेरे पास ये वाला, नो डाउट इतना है। इसका तो साइज़ आप लोग गाइस देख सकते हैं, इसमें तो नहीं है इतना अच्छा साइज़ है, देखिए एक ठीक एक छोटा है। बस तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी ध्यान रखिए अपना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।